हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली रस मलाई कलाकंद मिठाई, जो बनाना तो बहुत आसान है लेकिन खाने में इतनी टेस्टी है। जब आप एक बार बना के खाओगे तो आपको खुद ही बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं रस मलाई कलाकंद मिठाई। इसके लिए हमें ले आना है 200 ग्राम पनीर। तो 200 ग्राम पनीर हमने ले लिया है। आप पनीर कोई भी ले सकते हो, या डेयरी का ले सकते हो, या पैकेट वाला जो आता है वो भी ले सकते हो, मतलब कोई भी हो। अगर कुछ नहीं है ना, तो आप दूध फाड़ के उसका छेना बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। आप मतलब मोटे वाले से मत करिए, तीन साइज होते हैं कद्दूकस में, एक बड़ी साइज, मतलब उससे छोटी बीच वाली, एक सबसे छोटी होती है। मैं तो छोटी वाली से ही करी हूँ, आप बीच वाले साइज से भी कर सकते हो। तो सारे पनीर को कद्दूकस करके पैन में डालेंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पे 100 ग्राम मिल्क पाउडर और 1/3 कप डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसा मीठा आपको पसंद है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के लगभग इलायची का पाउडर। अब थोड़ा सा केसरी बना रहे हैं, केसर वाले कलर और केसर वाले स्वाद, तो केसर के धागे डाल देते हैं। थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच के आसपास बादाम का पाउडर, ठीक है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। कोई मतलब अभी ये ड्राई सा लग रहा है ना, जैसे जैसे इसे हम मिक्स करेंगे ये मतलब ऐसे मतलब गीले गीले से फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है अब, लेकिन अभी हमने गैस नहीं ऑन किया है। जब ये अच्छे से अपना पानी छोड़ देगा तब हम गैस ऑन करेंगे। आप देखिए बिल्कुल ये अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है, तब हम गैस ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब गैस ऑन करके हमें इसे बहुत देर नहीं पकाना है। अगर आप इसमें दूध वगैरह डाल रहे हो तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, बट इसमें मैं दूध नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं जल्दबाजी वाला काम कर रही हूँ, मतलब झटपट बनने वाली मिठाई बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है घी ऐड कर दिया है। घी डालने से ना इसमें थोड़ा सा साइन रहेगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो हमने 1 चम्मच ही घी डाला है और धीरे धीरे करके केसर भी अपना कलर जो है छोड़ रहा है। ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो देखते देखते देखिए बहुत ही बढ़िया केसर के जो कलर है ना, बहुत बढ़िया आ गए हैं इसमें। अब ये लगभग हो चुका है और इतना पकाने में मुझे 3 मिनट लग गए हैं, लेकिन हाँ अभी 4थी मिनट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब बिल्कुल रेडी है ये, अब हम गैस करेंगे बंद, ठीक है। तो गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा इसे हम डाल देंगे यहाँ पे। एक केक टिन ले रहे हैं, इसमें हमें सेट करना, थोड़ा सा हमने घी लगा दिया था इसमें। आपके पास जो भी बर्तन है आप इसमें थाली में इसे सेट कर सकते हो, या बच्चों के टिफिन वगैरह में भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी में ही सेट करो। मेरे पास ये है तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं इसी में सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक साइड में ही करा है, अगर आपके पास ज़्यादा बना रहे हो तो आप पूरे में करिएगा। थोड़ा सा सेट करने के बाद हमने बस इसे डाल देना है थोड़ा काजू और पिस्ता और बादाम, इसके ऊपर से लगा के हल्का से इसे दबा देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। अब इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए और रब बना लेते हैं रबड़ी। तो ये रबड़ी के वजह से मिठाई और ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, तो मैं रबड़ी बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने लिया है 500 ग्राम दूध, और कोई भी दूध ले सकते हो, पैकेट वाला भी हो या घर में जो नॉर्मल दूध आता है, काऊ मिल्क हो, मतलब कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के आसपास इलायची का पाउडर। हाँ, चीनी हम इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं, आप चाहो तो 2-3 चम्मच भी चीनी डाल सकते हो, जैसा कि आप मीठा पसंद करते हो, ठीक है। तो केसरिया बना रहे हैं तो थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल दिए हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि जो रबड़ी बने ना तो गाढ़ी गाढ़ी सी बने, ठीक है। तो थोड़ा सा दूध हमने निकाल लिया था, इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके और इसे एक घोल बना लिया है। अब ये घोल हम डाल देंगे दूध में, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ी रबड़ी बन के तैयार होगी। और हल्का हल्का सा जो है इसका देखिए कलर आ गया है केसर का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है रबड़ी देखने में। तो बिल्कुल सारे चीज़ें हो रहे हैं, रसमलाई का ही प्रोसेस है, बस ये थोड़ा अलग है, यूनिक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत झटपट बन जाते हैं। अब इसे रबड़ी को हम रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए।
और ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं लगभग 1 घंटे बाद और इसकी कटिंग कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से 1 घंटे में ये सेट हो गई है और कहते हैं ना कि बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन के रेडी हो जाती है और हेल्दी तो है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बना लीजिएगा फटाफट से ये मिठाई, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए इसे डालते हैं, एक प्लेट में एक पीस डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने रबड़ी बना रखी है ना ठंडा ठंडा करके, वो डालेंगे। रबड़ी के वजह से इस मिठाई में कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा, मतलब डबल ट्रिपल स्वाद हो जाता है। तो ज़रूर इस डालिएगा गाढ़ी गाढ़ी से रबड़ी, अब हम इस पर डालेंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई कलाकंद मिठाई बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते थे ना तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक प्रार्थना और है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमारी रेसिपी कैसी बनती है। और अच्छी बनती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करो। बने रहने के लिए धन्यवाद।